स्वागत है और इस वक्त हम हैं बीकानेर में। बीकानेर में किसानों की प्रतिक्रिया क्या रही, अन्नदाताओं की पुकार क्या सरकार ने सुनी। नरेंद्र मोदी सरकार का ये अंतिम पूर्णकालीन बजट था जो निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने पेश किया, और इसके बाद में क्या मिला क्या नहीं मिला, इन तमाम बातों को लेकर इस वक्त हम मौजूद हैं एक धान मंडी में किसानों के बीच ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए। और हमारे साथ यहाँ के देखिए किसान, सबसे पहले मैं इस धान मंडी का नजारा आपको दिखाना चाहूंगा। पीछे आप देखिए धान की बोरियां भरी हुई है, इंतजार कर रही है इनको बिकने का। ये पूरा मंडी का नजारा है जहां पर देखिए कॉटन भी है तो दूसरी तरफ यहाँ पर मूंगफलियां भी है, यहाँ पर ग्वार भी है, यहाँ पर सरसों भी है। यानी जहाँ किसान की आत्मा बसती है, जहाँ किसान को फायदा मिलता है। और इन बातों को लेकर, इन तमाम लोगों को लेकर हम इन सब से बातचीत करेंगे जो कहीं ना कहीं खेती और किसानी से जुड़े हुए हैं, व्यापारी भी हैं, वकील भी हैं। और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के स्थानीय नेता नंदराम जी जाखड़ से। जाखड़ साहब, मोदी सरकार का ये बजट आ चुका है जी, किसानों को क्या मिला क्या नहीं मिला, आप काफी देर से सोच रहे थे, मंथन कर रहे थे, क्या लगता है आपको किसानों को कहीं सहारा मिला? किसानों को सिर्फ झुंझुना मिला है और कुछ नहीं मिला है। सिर्फ करेंगे, देखेंगे, ये बढ़ाएंगे वो बढ़ाएंगे। ये जो सुविधा इन्होंने दी है कि समान किसान सम्मान निधि योजना, तो इसका फायदा मिलता है साउथ वालों को या जहाँ छोटे किसान है उनको। यहाँ पे जमीनें तो ज्यादा है लेकिन उपजाऊ नहीं है, इसलिए यहाँ पे जोत तो बड़ी हो गई उनकी 20 बीघे 25 बीघे 30 बीघे, लेकिन उनको उत्पादन उसके बनिस्पत यहाँ 10% ही होता है। मतलब ये क्षेत्र विशेष की समस्या है। हाँ, इसलिए समस्या आ रही है। बाकी इसके अलावा किसानों के यहाँ पर मत्स्य पालन के लिए प्रोत्साहित करने की बात आ रही है, मत्स्य पालन की बात आ रही है तो पहले से चल रही है, लेकिन ये मूर्त रूप नहीं लेती ना, जमीनी जामा नहीं पहनती है, अमली जामा नहीं पहनती। आप बताए साहब, आप किस तरह से देखते हैं मोदी सरकार के इस बजट को? पत्रकार महोदय जी, मैं सर्वप्रथम तो इस देश को आज बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। कि आपने क्या देखा इसमें? मैंने ये देखा कि आज भारत की जनता है जो खुश नसीब है, जो आज बहुत ही अच्छा बजट पेश हुआ है, और जो भारत की प्रथम पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उसने जो पेश किया है बजट, उसके लिए उसने पूरी महिलाओं का ध्यान रखा है, हर क्षेत्र का ध्यान रखा है, किसान वर्ग का ध्यान रखा है। जैसे अभी आपने हमारे पास खड़े अध्यक्ष साहब ने कहा कि पीएम किसान निधि योजना, मैं कहता हूं कि आज से पहले कितने राज आए, कितना बजट आया, मगर किसी ने भी किसानों की तरफ ध्यान दिया गया? बिल्कुल ध्यान दिया गया। अच्छा, जान लेते हैं आप क्या मानते हैं बजट जो है किस तरह से रहा है? बजट जो भी बजट प्रस्तुत किया, परंतु मोदी सरकार ने डीजल को अभी तक जीएसटी में नहीं लिया, जो धरातल पे काम होना चाहिए। गत 8 सालों से लगातार डीजल जीएसटी में आने पर डीजल के रेट कम होते तो आम धरातल पर सभी लोगों को राहत मिलती, डीजल के कारण से ही महंगाई बढ़ रही मतलब है। बहुत वैलिड पॉइंट यहाँ पर उठाया है, किसानों का काम चलता है किसानों डीजल और पेट्रोल से, और डीजल पर जो सुधार हुए हैं, क्या मानते हैं कि ये बजट जो है अंतिम पूर्णकालीन बजट के रूप में अपना उद्देश्य सिद्ध करेगा? नहीं, ये जो लोगों के अनुरूप आशाएं थी उसके अनुरूप नहीं आया बजट। हाँ, टैक्स स्लैब में जरूर बदलाव हुआ है, बड़ा है, उससे आम लोगों को थोड़ा फायदा मिलेगा। कुछ आम लोगों की जरूरतें की सामान जैसे टीवी फ्रिज मोबाइल वगैरह कुछ सस्ते किए हैं, लेकिन डीजल एक बड़ी समस्या थी, उसको या तो जीएसटी दायरे में लाना चाहिए था, अन्यथा उस पर जो टैक्स है वो कुछ घटा के राहत देनी चाहिए थी। बिल्कुल नंदराम जी, आप कह रहे थे कि कृषि औजार जो हैं, हाँ, उन पे टैक्स नहीं होना चाहिए, टैक्स में छूट होनी चाहिए ताकि आम किसान को उसमें फायदा मिले, उसको महंगाई की मार नहीं पड़े और वो खेती में उपयोग ले सके। जो उस कृषि यंत्र है उनपे टैक्स की बहुत बड़ी मार पड़ती है। बिल्कुल, आप कह रहे थे विमल जी कि किसानों के लिए बढ़िया है, परंतु किसानों के यंत्रों पर कोई सब्सिडी नहीं है, किसी तरह की कोई बातचीत नहीं की गई। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वर्तमान में किसानों के जो भी उपकरण है उस पर सब्सिडी मिल रही है और उसका किसान फायदा उठा रहा है, ये तो एक भ्रामक बात है। क्या इससे पूर्व जितने भी थे क्या उन्होंने सब्सिडी दी? इस बजट में ज्यादा फायदा है किसानों के लिए। जैसे किसान जो अभी यूरिया वगैरह है, जो उर्वरक है, यूरिया की तो किल्लत रही है, लगातार यूरिया की किल्लत रही है और वो किल्लत अभी भी बनी हुई है। आपसे विचार जानना चाहूंगा, क्या कहना चाहते हैं इस बजट को देखकर, किसान के नाते बताइएगा। किसान के नाते इस बजट में जो किसान जो चीज उपयोग करता है उस पे किसान को 4 दफा 5 दफा जीएसटी देनी पड़ती है। यदि जीएसटी को सही तरीके से क्रियान्वयन किया जाता तो 1 बार जीएसटी लगनी चाहिए थी। अब उसी प्रोडक्ट पे जहां से वो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, कच्चे माल पे जीएसटी लग जाती है, उसके बाद में जहां तक होलसेलर, फिर सुपर स्टॉकिस्ट, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर रिटेलर, फिर किसान के पास पहुंचता है जी। तो उसमें 4 या 5 दफा जीएसटी किसान देता है।
अंतिम जो जीएसटी जो देता है, मतलब किसान पर ज्यादा भार पड़ रहा है और वो भार कम नहीं हुआ जी, किसान को कुछ नहीं मिला है। क्या मिला किसान को? किसान को कुछ नहीं मिला। आप क्या सोचते हैं सर, बजट मोदी सरकार का ये बजट जो है कहीं ना कहीं किसानों के लिए कोई राहत की खबर है इसमें? किसानों के लिए राहत की खबर तो नहीं है, लेकिन इस बार यूरिया डीएपी जो किलकित रही उससे किसान बहुत मायूस हुआ है। किसान मायूस हुआ आज तक इतनी किलकित नहीं है। बिल्कुल, एक बहुत अच्छी बात इसमें रही जिसका चारों तरफ हम जब जिक्र करते हैं तो वो स्वागत योग्य कदम बताया जा रहा है, और वो है टैक्स स्लैब को लेकर। टैक्स स्लैब को लेकर जो उम्मीदें थी आपकी, क्या वो पूरी हुई? बिल्कुल, टैक्स स्लैब का दायरा बढ़ाया है, इससे आम लोगों को, छोटे उद्यमियों को बिल्कुल जरूर लाभ मिलेगा, और टैक्स स्लैब बढ़ाना एक अच्छा प्रयास है। टैक्स स्लैब बढ़ाना अच्छा प्रयास है। आप कुछ कह रहे थे कि ग्वार का एमएसपी पर या इस तरह से? जी जी, ग्वार यहाँ पश्चिमी राजस्थान की एक अहम फसल है, क्योंकि बरानी क्षेत्र है, लगभग बारिश पर निर्भर करता है, और यहाँ 80% बीजान लगभग ग्वार का ही होता है। उसको एमएसपी में लाना बहुत जरूरी था। मतलब उम्मीद है आपकी कि ग्वार को भी आए, परंतु अन्य फसलें तो पहले से आई हुई है, एमएसपी मिल रही है? एमएसपी मिल रही है, लेकिन कुछ फसलों की एमएसपी है वो भी कम है, उनको भी बढ़ाना चाहिए। ग्वार है, मोट है, इस बरानी एरिया का राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान है, इसमें ये यहाँ की मुख्य फसलें हैं, इनको भी एमएसपी पर अगर लें, गवर्नमेंट खरीद करे, तो किसान को सपोर्ट मिलेगा और उससे किसान का खुशहाली बढ़ेगी। बिल्कुल, कई मुद्दे इस तरह के थे जो पहले से लोग अपेक्षाएं कर रहे थे, उम्मीद जता रहे थे कि उन मुद्दों पर कहीं ना कहीं इस बजट के अंदर राहत मिलेगी। उनमें से कई मुद्दों की पूर्ति भी हुई है, कई मुद्दे जो है वो कुछ अभी भी संशय में है। कई लोग खुश हुए, एक बड़ा वर्ग टैक्स स्लैब में जो बढ़ोतरी की गई है उससे काफी खुश है, इस बात में कोई दोहराव नहीं है। परंतु दूसरी तरफ एक ऐसा वर्ग भी है जो कहीं ना कहीं ये चाहता था कि डीजल और पेट्रोल को जीएसटी में शामिल किया जाएगा, जिससे किसान का काम आसानी से चले, जिससे व्यापार उद्योग आसानी से चले। कहीं लोग ये भी कह रहे थे कि जीएसटी का जो स्लैब है उसमें कहीं ना कहीं सरलीकरण होना चाहिए था, परंतु इन इन चीजों को लेकर आप किस तरह से देखते हैं? पत्रकार जी, मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ये आपके सामने बोरियों में मूंगफली है, क्या इससे पहले मोदी सरकार से पहले क्या रेट था? यही 3,000-4,000, आज इनका क्या रेट है? 7,500 रुपए में बिक रही है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के कारण है। और भी देखो सरसों क्या रेट है, बिल्कुल 7,000 रुपए। एक बजट आने के बाद में दोनों तरह के पक्ष सामने आए हैं, एक पक्ष संतुष्ट, एक पक्ष असंतुष्ट, और इस तरह से अन्नदाताओं की जो बात है, अन्नदाताओं की जो पुकार है, वो बजट में सुनी गई और कई जगह नहीं भी सुनी गई। परंतु फिलहाल कुल मिलाकर मिली जुली प्रतिक्रियाएं जो है वो इस बजट के सामने आने के बाद आम लोगों की देखी जा सकती है। सहयोगी शिवशंकर के साथ रवि बिश्नोई, छतरगढ़ से। अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है, और इस प्रतिक्रियाओं के दौर में आगे से जिस तरीके से जो अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों ने अपनी जो राय जाहिर की, साथ ही किस क्षेत्र को क्या मिला, किसान, महिला, युवा, मध्यम वर्ग, तमाम चीजों को लेकर की लंबी चर्चा है, वो सुबह से जारी है। फिलहाल मेरे साथ एक पूरा लंबा पैनल है, उनसे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जैन साहब, सीए भी हैं आप, आपसे जानना चाहेंगे कि कैटेगराइज करके किसानों को क्या मिला, महिलाओं को क्या मिला, युवाओं को क्या मिला, इस तरीके से कुछ चीजें पॉइंट वाइज आप बता सकेंगे? बिल्कुल सर, धन्यवाद मनोहर जी, आपने मुझे आज स्टूडियो में बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि आज का बजट बहुत ही आशावादी और लोक कल्याणकारी था। आज हमारे माननीय मोदी जी ने जो नोवा फुल बजट दिया है, उस बजट के अंदर सबसे जो उम्मीद की जा रही थी कि टैक्स करों में जो राहत दी जाए, वो राहत बहुत ही सराहनीय है और काफ़ी सालों से अवेटेड थी। 2014 में लास्ट टाइम स्लैब्स में चेंज किया गया था, और इस बार आमूलचूल परिवर्तन ही हो गया है स्लैब्स में, टैक्स के स्लैब्स में, वो बताना सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक मतलब जो आम आदमी राहत महसूस कर रहा है, या अपन कहें कि गृहिणी का घर भी उससे इफेक्ट होता है, एक हर किसी को आय के ऊपर टैक्स देने में जो राहत मिलती है उससे हर सेक्टर इफेक्ट होता है, इसलिए वो राहत की मैं चर्चा करूंगा सर्वप्रथम। कि आज 7 लाख रुपए तक की इनकम वालों को नील टैक्स में ला दिया गया है, जो पहले 5 लाख की लिमिट थी उसको बढ़ा के 7 लाख कर दिया गया है। तो 2 लाख रुपए का इजाफा सीधा सीधा 40% इंक्रीज मिनिमम टैक्स स्लैब में किया गया है। जैसे पहले तो 2.5 से 3 लाख को भी बहुत सराहा जाता था, 50,000 रुपए बढ़ा दिए, तो अभी सीधे 2 लाख का बढ़ावा किया है। उसके अलावा अगर 7 लाख से ज्यादा पे अगर होता है, तो जो नई स्लैब लागू की गई है वो भी जो पिछले साल जो स्लैब थी उससे बहुत अच्छा है, उसमें भी बेनिफिट है। जैसा अगर स्लैब चार्ट अगर आपके पास हो तो प्रदर्शित कीजिएगा, नहीं तो मैं एक समरी बना के लाया था आज के लिए कि 0 से 3
3 लाख के ऊपर नल टैक्स स्लैब है, 3 से 6 लाख के ऊपर 5% की घोषणा की गई है, 6 लाख से 9 लाख के ऊपर 10% की घोषणा की है, 9 से 12 पे 15 और 12 से 15 पे 20 लाख और 15 लाख से ऊपर पे फ्लैट 30% की टैक्स रेट है। पहले जो हुआ करता था उसमें अगर हम कंपैरिजन चार्ट से करें कि 3 से 6 लाख पे अभी टैक्स बन रहा है 15,000। इसको थोड़ा क्लियर करना चाहेंगे कि किस किस को फायदा हो रहा है इस टैक्स स्लैब से? जितने भी व्यक्ति जो कर सीमा में आते हैं जिनके ऊपर टैक्स लगता है उनका बेनिफिट सीधा सीधा है इसमें। जैसे पहले 2.5 लाख रुपए के ऊपर जिसकी भी आय थी, चाहे वो महिला हो, चाहे गृहिणी हो, चाहे एमएसएमई हो, उन सबको क्योंकि खाली हर किसी पे स्लैब रेट लगता है, केवल और केवल कंपनीज को या पार्टनरशिप फर्म जिसमें फ्लैट रेट लगता है, बाकी सब पे स्लैब रेट लगता है, तो इसका फायदा पूरी आम जनता को है, मध्यम वर्ग को है। जैसा भी आप इस कार्यक्रम शुरू होने से पहले पूर्व में चर्चा हो रही थी तो माननीय आत्माराम जी ने बताया भी था कि हर एक वर्ग को कुछ ना कुछ है, निचला वर्ग है उसको कहीं ना कहीं बेनिफिट दिया जाता है, उसके घर में किसी भी चीज़ की कमी ना हो उसका ध्यान सरकार रख रही है। कांग्रेस के नेता तिवारी जी कहते हैं कि हर अमीर वर्ग का ध्यान भी अलग से रखा जा रहा है, तो इस बार मध्यम वर्ग का ध्यान जो कहा जाता है कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसकी रसोई का ध्यान रखना या उसके सभी बाकी जरूरतों का ध्यान रखना, उसको देखते हुए ये बजट बनाया गया है। टैक्स स्लैब का सीधा वापस आऊंगा मैं। आपने अच्छा कहा कि मध्यम वर्ग के लिए इसमें खास तौर से रखा गया और खास तौर से टैक्स की स्लैब की बात की आपने। कांग्रेस का पक्ष जानने कोशिश करते हैं कि तिवारी जी आप यहाँ मौजूद हैं, आपने पूरा बजट देखा, जिस उम्मीद के साथ में लोग देख रहे थे क्या वैसा बजट है, या बजट से जिस तरीके से कांग्रेस की एक परंपरागत प्रतिक्रिया है कि ये आंकड़ों का मायाजाल है उतनी तक सीमित। मनोहर भाई, ये भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार का 2 बजट बता रहे हैं, मैं ये मानकर कर चलता हूँ, ये मोदी जी का या भारतीय जनता पार्टी का नंबर 2 का बजट नहीं, ये आखिरी बजट है, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी नीत सरकार केंद्र में बनने वाली नहीं है। आज देश के करोड़ों करोड़ों लोगों को ठगने वाला ये बजट है, खोदा पहाड़ निकली चुईया। सेंसेक्स जो शुरू में चढ़ करके आगे बढ़ रहा था आज वो 500 माइनस हो गया। देश की जनता को, चाहे वो नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, सबको ठगने का काम किया है। केवल एक काम किया इन्होंने, इनकम टैक्स की व्यक्तिगत सीमा को इन्होंने 5 लाख से बढ़ा करके 7 लाख कर दी और पुराने टैक्स की जो स्लैब थी उसको खत्म करके नई स्लैब लगा दी। अभी जो बता रहे थे सीए साहब, वो कह रहे हैं कि 0 से 3 लाख के बाद में जो भी कमाई होगी उसके ऊपर 5% टैक्स लगेगा। एक हाथ से आप दे रहे हो, एक हाथ से आप ले रहे हो। देश की जनता को पूछना चाहिए, देश की जनता पूछ रही है मेरे लिए क्या किया। मेरी माँ बहनों ने जो घर में बजट बिगाड़ दिया रसोई गैस के नाम पर, 1056 रुपए का जो बजट, जो आपका गैस का रसोई आ रहा है, उसको आपने वादा किया था 2014 में नहीं सहेंगे महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, जब दुनिया में क्रूड ऑयल के दाम लगातार गिर रहे हैं, आपने वादा किया था करोड़ों महिलाओं से कि हम आपके गैस की रसोई के दाम कम करेंगे, पेट्रोल में आपने कहीं कोई कमी नहीं करी, डीजल के दामों में आपने कहीं कोई कमी नहीं करी। अरे देश के करोड़ों किसानों ने जो आंदोलन किया, 750 किसानों ने सर्दी गर्मी बारिश में बैठ करके अपनी जान की आहुति दे दी, आपने वादा किया था 2022 तक हम डबल इनकम कर देंगे किसान की, आपने 500 रुपया महीने का लालू प्रसाद दे करके देश के किसानों को लूटा, आपने ना किसानों का जो महीने का 500 रुपया आप सब्सिडी देते थे उसमें भी बढ़ोतरी नहीं करी। और दुर्भाग्य की बात है मनोहर भाई, देश की राष्ट्रपति भी महिला है, आदिवासी महिला है, हमने उनका स्वागत किया, देश के करोड़ों लोगों ने स्वागत किया कि आदिवासी महिला को हमने देश का प्रधानमंत्री चुना। और सौभाग्य की बात है कि देश की वित्त मंत्री भी महिला, उन्होंने देश की आधी आबादी को क्या दिया, एक लॉलीपॉप दे दिया कि 2 लाख रुपया आप साल में बचत कराएंगे, हम आपको 7.5% हम आपको वार्षिक रिटर्न लौटाएंगे। ये सारे स्कीमें तो प्राइवेट बैंक कर ही रहे हैं ना, इसमें आपने नया क्या कर दिया? ये झुंझुना है। और देश के नौजवानों को आपने कहीं नौकरी के चांसेस नहीं दिए, जिन नौजवान जो आज देश के अंदर 65% आबादी आज हमारे नौजवानों की है, उन नौजवानों को आपने फिर ठगा है, जिनके वोटों से मोदी सरकार फर्स्ट और मोदी सरकार टू बनी, उन नौजवानों के लिए आपके पास में नौकरी के साधन नहीं है, उन महिलाओं को आपने कुछ नहीं दिया, उसके गैस का, उसके रसोई का आपने कम नहीं किया,
आपने आटा दाल पर जीएसटी का जो दायरा बढ़ाया आपने उसको कम नहीं किया, कुल मिलाकर के खोदा पहाड़ निकली चुहिया। और फिर मैं कह रहा हूं राजस्थान के 25 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं मनोहर भाई, राजस्थान में, राजस्थान की 2.5 करोड़ जनता जो 13 जिलों में ईआरसीपी की मांग लगातार कर रही है, जिसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने वसुंधरा जी के शासनकाल में आकर के अजमेर में और जयपुर में कहा था यहाँ के किसान को पानी देंगे, पीने का पानी ईआरसीपी को लाएंगे, उस दिशा में हमने कुछ प्राप्त नहीं किया, तो देश की जनता को कुछ नहीं मिला और राजस्थान को तो आपने कुछ किया ही नहीं। इसलिए कह रहा हूं केवल और केवल ढकोसला है। 7 ऋषियों के नाम पर आपने कह तो दिया कि सप्त ऋषि, अरे देश के अंदर ऋषियों को छोड़ो, आप अमृतकाल का पहला बजट, गाल बजाने में तो माहिर है देश के सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, अमृत काल में अमृत तो पी गए भारतीय जनता पार्टी नीत सारे 10 करोड़पति अरबपति जिनका 10 लाख करोड़ का आपने कर्जा माफ किया, क्या उस केंद्र का बजट जो आया है और उसको लेकर के समाज के हर वर्ग में अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है और राजनीतिक जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी अपनी जगह लोग राजनीतिक जगत के दे रहे हैं। हमारी चर्चा अब जारी रहेगी। हम अब व्यूज जानना चाहते हैं आम आदमी पार्टी का, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने जो राष्ट्रपति का अभिभाषण का जो बहिष्कार किया था, तो क्या इस बजट से आप संतुष्ट नजर आ रहे हैं या फिर इस बजट को लेकर के आपका भी वैसा ही जो विचार है जैसा कि कांग्रेस कह रही है? देखिए इस बजट में देश की जनता, देश के युवा, देश के किसानों को बहुत उम्मीद थी क्योंकि केंद्र सरकार का ये आखिरी पूर्ण बजट था। स्पेसिफिकली मैं राजस्थान की बात करना चाहूँ तो राजस्थान शिक्षा नगरी है, राजस्थान में कोटा जो है शिक्षा के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है, सीकर में हमारा अच्छा खासा एजुकेशन हब है, जयपुर में, जोधपुर में, हर जगह शिक्षा का एक पूरा हब बन रहा है। शिक्षा पे 18% जो है वो टैक्स केंद्र सरकार वसूल रही है। 18% का मतलब हो गया 1 लाख अगर फीस किसी बच्चे की है तो 18,000 रुपए तो उसका मोदी जी ही उससे ले लेंगे। तो लगातार शिक्षा महंगी हो रही है, इसको लेकर के उम्मीद थी कि इस बजट में शिक्षा को जो सस्ता करने के लिए ताकि हर गरीब का बच्चा पढ़ पाए, इस उम्मीद में केंद्र सरकार कोई कदम उठाएगी, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। दूसरा पर्यटन को लेकर के राजस्थान और देश की पूरी जनता को बड़ी उम्मीद थी। पर्यटन के मामले में केंद्र सरकार ने पिछले बजट में बेहद कम बजट रखा था, इस बार भी कोई खास घोषणा पर्यटन को विकसित करने के लिए को लेकर के नहीं हुई। आज राजस्थान में डेस्टिनेशन वेडिंग हो या जैसलमेर हो, यहाँ पे पर्यटन का एक बहुत अच्छा स्कोप था, लेकिन कोई बड़ी योजना केंद्र सरकार यहाँ के लिए लेकर के नहीं आई। ईआरसीपी एक बड़ा मुद्दा लगातार राजस्थान में चल रहा है, पिछले चुनाव में भी पूरी भाजपा ने इसको खूब प्रचारित किया, मोदी जी ने खूब यहाँ पे स्टेटमेंट दिया कि ईआरसीपी को लेकर हम सकारात्मक रुख अपनाएंगे, लेकिन जब समय आया अगले साल राजस्थान विधानसभा के चुनाव है, जनता को उम्मीद थी कि शायद इस बजट में तो हमारी सुनी जाएगी, वो फिर से अधूरी रह गई। राजस्थान के 13 जिलों की बड़ी मांग थी जिसे पूरी तरह से नकार दिया गया। चौथा सोलर ऊर्जा को लेकर के राजस्थान में एक बड़ा स्कोप है, उसको लेकर के भी राजस्थान के